हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और घर पे होंगे और स्टे होंगे और सेफ होंगे। तो मैं आपकी क्लास है बीए फर्स्ट ईयर सैम फर्स्ट। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश लिटरेचर। मैं आपको आज सेकंड चैप्टर करवाने जा रही हूँ। हमारी जो बुक थी द सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोस, उसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था विद द फोटोग्राफर। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑन हैबिट्स। हैबिट्स तो आपको पता होगा, आदतें होती हैं जो उसको हैबिट्स बोलते हैं। हमारी जो आदतें हैं, हमें जो हैबिट्स हो गई है, मतलब हमारा जो रूटीन बन गया है, वो क्या होता है, हैबिट्स होता है। तो ये जो लिखा है ए जी गार्डिनर, राइटर है जो, उसने ये ऐसे लिखा है एक, वो इसमें अपनी आदत के बारे में बताता है कि उसको मतलब किस चीज़ की आदत हो चुकी है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। आई सेट डाउन टू राइट एन आर्टिकल विद दिस मॉर्निंग, कहता कि मैं एक आर्टिकल लिखने बैठा सुबह, बट फाउंड आई कुड मेक नो प्रोग्रेस, और पर मैं उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया, मतलब उसमें कुछ भी लिख नहीं पाया। देर वॉज ग्रिट इन द मशीन, देयर वॉज ग्रिट इन द मशीन समवेयर, भी उसको ऐसा लगा कि जैसे मशीन में कुछ अटक जाता है, मूव नहीं कर रही, एंड द व्हील्स रिफ्यूज टू रिवॉल्व, और जो व्हील्स हैं, पहिए हैं मशीन के, वो चलने से मना कर रहे हैं। आई वॉज राइटिंग विद अ पेन, मैं पेन के साथ लिख रहा था, अ न्यू फाउंडेशन पेन, एक अच्छा नया फाउंडेशन पेन था, दैट समवन हैड बीन गुड इनफ टू सेंड मी, जो किसी ने मेरे को गिफ्ट किया था, मेरे को भेजा था कि इन कॉमेमोरेशन ऑफ एन एनिवर्सरी, मेरी जो एनिवर्सरी थी उस पर मुझे किसी ने ये पेन है, जो न्यू फाउंडेशन का पेन है, वो गिफ्ट किया था। माई इंटरेस्ट इन विच इज़ नाउ वेरी स्लाइड, कहता कि अब मेरा जो इस ओकेशन पे, एनिवर्सरी पे मेरा इंटरेस्ट है, वो थोड़ा स्लाइड मतलब कम हो गया है, बट ऑफ विच वन और टू वेल मीनिंग फ्रेंड्स आर स्टिल इन द हैबिट ऑफ रिमाइंडिंग मी, पर मेरे जो एक दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी आदत है कि वो अभी भी मुझको मेरी एनिवर्सरी याद करवा देते हैं। इट वॉज एन एक्सीलेंट पेन, ये बहुत ही अच्छा पेन था, ब्रॉड था, फ्री इन इट्स स्पेस, स्पेस मतलब होता है स्पीड, स्पीड में फ्री था, मतलब बहुत स्मूथ चलता था, एंड कैपेबल ऑफ अ मोस्ट सेटिस्फाइंग फ्लॉरिश, और इतना कैपेबल था कि उसके लिख के बंदे को सेटिस्फेक्शन हो जाती थी। इट वॉज़ अ पेन, ये एक पेन था, यू वुड हैव सेड, तुम ये कह सकते हो कि दैट कुड हैव रिटन एन आर्टिकल विदाउट एनी थिंग, भी इसके साथ आर्टिकल लिखा जा सकता था, अबाउट एनी थिंग, किसी के बारे में भी आर्टिकल लिखा जा सकता था पेन के ज़रिए। Who had only to fill it with ink, जिसको सिर्फ ink से भरने की ज़रूरत थी, and gave it its head, और इसको बाद उस पर head लगाने की ज़रूरत थी, मतलब कि जब हम fill कर लेते हैं refill को तो पीछे से बंद कर लेते हैं, तो वो head लगाने की ज़रूरत थी, and it would gapple away to its journeys and without a pause, और ये चलता ही रहता था जब तक कि हम जो लिखने की जर्नी है वो ख़त्म नहीं हो जाती थी बिना किसी रुकावट के। That is how I felt about it when I sat down. ये मैंने कब फील किया, जब मैं इसके साथ लिखने बैठा था। But instead of glamping, the thing was an obstinate as a mole. तो ये सब बातें होने के बाद कहते वो the thing was an obstinate मतलब जिद्दी होना। मॉल का मतलब होता है जो खच्चर नहीं होते, जो माल्ड होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो खच्चर, कहता ये जिद्दी है एक खच्चर की तरह, जैसे खच्चर जिद्दी नहीं हो जाते, उसको मोड़ते रहो तो वो मुड़ते नहीं हैं, खड़े रहते हैं एक जगह, उस जितना मर्जी उसको मारते रहो जिद्दी हो जाते हैं, वैसे कहता ये थिंग जिद्दी है। आई कुड गेट नो मोर स्पीड आउट ऑफ इट देन स्टीवसन कुड गेट आउट ऑफ हिज डोंकी इन द सेविनसन, कहता कि मैंने इस पेन से इतनी स्पीड नहीं हासिल की जितनी कि स्टीवन ने अपने डोंकी से स्पीड हासिल कर ली है। ये जगह का नाम है।
आई ट्राइड कॉक्सिंग एंड आई ट्राइड टू बेस्ट टोर्नीडो इक्वली विदाउट एफर्ट ऑन माई मेंडोस्टाइन. मेंडोस्टाइन है उसकी लड़की का नाम है. कहते आई ट्राइड कैक्सट्राइंग मतलब होता है कि प्यार से समझाना, बेस्ट टोर्नीडो मतलब पैरों में पड़ जाना बंदे के मनाने के लिए. कहता मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया पर इतने एफर्ट तो कहता मैंने अपनी बेटी पे नहीं लगाए जितने कि इस पेन पे लगा दिए कि ये आगे तो बढ़े, चले तो सही. मैं जो आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ वो लिखे तो सही पर जो पेन था वो नहीं लिखर रहा था. देन इट अकर टू मी दैट इट वॉज इन कन्फ्लिक्ट विद अ हैबिट. फिर मेरे को याद आया कि मैं तो अपनी हैबिट के साथ लड़ झगड़ा कर रहा हूँ. मेरी हैबिट क्या है? इट इज़ माई प्रैक्टिस टू डू माई राइटिंग विद अ पेंसिल. कहता कि मेरी तो प्रैक्टिस राइटिंग में पेंसिल के साथ हो रखी है. मैं जब भी कुछ लिखता हूँ तो किसके साथ लिखता हूँ? पेंसिल के साथ लिखता हूँ. डेज इवन वीक्स पास विदाउट माई यूजिंग अ पेन फॉर एनीथिंग मोर देन साइनिंग माई नेम. कहता कि मेरे तो कई दिन निकल गए, इवन कि कई वीक्स निकल गए कि मैंने पेन को यूज़ किया हो. मैं तो पेन सिर्फ अपना साइन करने के लिए उठाता हूँ पर जब मैंने कुछ लिखना होता है तो मैं सिर्फ पेंसिल से लिखता हूँ. ऑन द अदर हैंड there are not many hours of the day when I am without a pencil between thumb and finger. कहता कि दिन का कोई भी ऐसा आर नहीं है ज़्यादा जिसमें मैंने अपने पेंसिल है जो उसके बिना बैठा हूँ. मेरे हाथ में हमेशा पेंसिल रहती ही रहती है. मेरे अंगूठे और मेरी फिंगर के बीच में पेंसिल जो होती होती है. इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई ऑर्गेनिज्म. कहता है कि एक मेरी बॉडी का पार्ट बन चुका है पेंसिल. एज इट वर अ मेयर एक्सटेंशन ऑफ माई हैंड. और जैसे कि मेरा हाथ में पांच उंगलियां होती है ना हमारे हाथ में, तो पेंसिल के साथ मेरी है. मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा हाथ एक्सटेंड हो गया है, मतलब कि बढ़ गया है और उसकी छः उंगलियाँ हो गई हैं. There at the top of my second finger, मेरी जो second finger है उसके ऊपर बिल्कुल is a little bump. वहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा bump है. Raised in its service, इसको चलाते चलाते bump हो गया है pencil को. A monument erected by the erection of the whole forest of pencils that I have drawn to be stump. क्या था कि ऐसे सर्विसेज आई, ऐसे मौके आए जिसमें मैंने पेंसिल्स को हमेशा यूज़ किया, मतलब कि उसकी एक आदत बन चुकी थी कि उसने जो भी लिखना था, आर्टिकल लिखना था, क्योंकि वो एक राइटर है ना, तो वो जो भी कुछ लिखता है वो सिर्फ पेंसिल के साथ लिखता है. पेन तो सिर्फ वो साइन करने के लिए यूज़ करता है. अ पेंसिल इज़ टू मी वट His sword was to. कहता कि पेंसिल की वैल्यू बता रहा है कि पेंसिल की वैल्यू मेरे लिए क्या है. वो अलग अलग तरह के एग्जांपल देगा कि जैसे कि डी आर्टेगमन के अकॉर्डिंग जैसे उसकी तलवार है वैसे मेरे लिए मेरी पेंसिल है. और his umbrella was to the Duke of Cambridge. जैसे कि Duke of Cambridge के लिए umbrella important है वैसे ही मेरे लिए पेंसिल important है. His chariot was to Grant or whittling a stick was to Jackson or in short what any habit is to anybody. कहता कि जैसे सबकी हैबिट होती है वो अपनी हैबिट छोड़ नहीं सकते, उसी तरह से मैं अपनी हैबिट नहीं छोड़ सकता. मेरे लिए पेंसिल ही मेरा सब कुछ है. Put a pencil in my hand, sit me before a blank writing pad is an empty room and I am as they say to the children as good as gold. कहता कि अगर मेरे हाथ में पेंसिल हो और मुझे एक खाली पेपर के आगे बिठा दिया जाए एक खाली कमरे में, तो वो मेरे लिए क्या होगा? जैसे एक बच्चे को कहा जाता है as good as gold, मतलब मेरे लिए एक सोने जैसी बात होगी. वो मेरे हाथ में पेंसिल होगी, ब्लैंक पेपर पड़े होंगे और खाली कमरा होगा, तो मेरे लिए वो सोने जैसी बात होगी. I take on an tranquility as an 8-day clock. I may be dismissed from the mind, ignored, forgotten. कहता कि मैंने तो अपनी तरफ से टिक लगाई थी कि सुबह के 8 बजे मैं अपना काम शुरू करूँगा, पर शायद क्या पता मेरे दिमाग से निकल गया या मैंने इग्नोर कर दिया या फिर मैं भूल गया. But the magic wand must be a pencil. पर मेरी जो स्टिक है, मैजिक स्टिक है, जादू की छड़ी है, वो क्या है? सिर्फ पेंसिल ही है.
हेयर आई वॉज सिटिंग विद अ पेन इन माई हैंड, अब मैं क्या हूँ, पेन के साथ बैठा हूँ. एंड द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ हैबिट वॉज डिस्टर्ब, और मेरी जो हैबिट है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है. आई वॉज इन एन एटमोसफियर ऑफ स्ट्रेंजनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही अजीब, जहाँ पर मैं कभी आया नहीं हूँ, ऐसे वातावरण में मैं आ गया हूँ. द पेन कैप्ट इंट्रूडिंग बिटवीन मी एंड माई थाट, कहता है कि पेन है जो वो मेरे और मेरे विचारों के बीच में बांधा बने हुए हैं. पेन के साथ मैं लिख नहीं सकता, और अगर मैं लिख नहीं सकूँगा तो मैं थाट्स नहीं ला पाऊँगा माइंड में. इट वॉज़ अनफैमिली टू द टच, कहता इसका टच ही मेरे लिए अनफैमिलियर है. जब मैं इसको पकड़ता हूँ पेन को, तो मेरे को इसमें अपने से फीलिंग ही नहीं आती, क्योंकि मैं हमेशा पेंसिल से लिखता हूँ. It seems to write a foreign language in which nothing pleased me. कहता कि जब मैं, चाहे मैं अपनी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, पर फिर भी अगर मैं पेन से लिख रहा हूँ तो वो मुझे फॉरेन लैंग्वेज लगेगी, जो कि मेरे को अच्छी नहीं लगती है. This tyranny of the little habit which is familiar to all of us is now we are better disturbed than in the story. कहता कि ये जो हैबिट है, लिटल हैबिट्स हैं हमारी, छोटी छोटी आदतें होती हैं, विच इज़ फैमिलियर टू ऑल ऑफ अस, जो कि हमारे सभी में पाई जाती हैं, कोई ना कोई आदत होती है हमारी, इज़ नाउ वी आर बेटर डिस्क्राइब्ड देन इन द स्टोरी. मैं एक स्टोरी में आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब करके बता सकता हूँ. अब राइटर है जो, पहले उसने, राइटर ने अपनी बात की कि मेरे को किस चीज़ की आदत है, हमेशा पेंसिल से लिखने की आदत है. उसके हाथ में आज पेन आ गया तो वो लिख नहीं पा रहा है, उसके माइंड में थॉट ही नहीं आ पा रहे हैं. तो कहता है कि इस तरह की हैबिट्स हम सबके बीच में होती हैं, कोई ना कोई हैबिट हम सब में होती है, छोटी से छोटी हैबिट जो होती है वो भी हमारे बीच में पाई जाती है. कहता कि ये हैबिट मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ. वो स्टोरी क्या थी, विच सर वॉल्टर स्कॉट की स्टोरी बता रहा है, टोल्ड टू रॉगर्स, रॉगर्स को बताता है, टू हिज स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताता है. वो कहता है देयर वॉज अ बॉय इन माई क्लास एट स्कूल हु स्टूड ऑलवेज एट द टॉप. कहता कि एक लड़का था मेरी क्लास में जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था. नॉर कुड आई विद ऑल माई एफर्ट्स सप्लेंट हिम, कहता कि मैंने बहुत सारे एफर्ट किए उसको नीचे उतारने के लिए, पर वो अपनी जगह से नहीं हिला. डे केम आफ्टर डे एंड स्टिल ही कैप्ट हिज प्लेस, दिन निकलते गए पर वो अपनी जगह से नहीं हिला, वो वहीं रहा. डू वट आई वुड, मैंने वो किया जो मैं कर सकता था. टिल एट लेंथ आई ऑब्जर्व्ड दैट, और एक दिन मैंने ऑब्जर्व किया, व्हेन अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड हिम, पर जब उसको क्वेश्चन किया जाता था कोई, ही ऑलवेज फ्लम्ड विद हिज फिंगर्स एट ए पर्टिकुलर बॉटम इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज वेस्ट कोट. वो क्या करता था, फंबल्ड मतलब होता है अनिश्चित, जिस जो हमारी हैबिट बन जाए, हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाता है, ठीक है. तो अनिश्चित होता है कि हमने कोई सोच समझ के वहाँ पे हाथ नहीं रखा होता, अपने आप रखा जाता है, क्योंकि हमारी आदत होती है. तो कहता कि मैंने नोटिस किया कि उसने अपनी फिंगर जो है वो हर बार क्या करता था, अपने वेस्ट कोट के लोअर पार्ट में जो का बॉटम है वहाँ पे रखता था. मतलब उसे जब टीचर, अब कई बच्चों के हाथ होते हैं ना, टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पेंसिल पकड़ के घुमा रहे होते हैं हाथ में, या फिर कॉपी का पेज इधर उधर कर रहे होते हैं, तो उनकी हैबिट होती है क्वेश्चन सुनाते हुए. तो इसी तरह कहते हैं कि उसकी आदत थी कि जब उसे कोई टीचर क्वेश्चन पूछता था तो वो क्या करता था, अपने वेस्ट कोट जो उसके लोअर पार्ट में अपना जो फिंगर है उनको डाल लेता था. टू रिमूव इट, इसको रिमूव करने के लिए टू रिमूव इट बिकेम एक्सपीडेंट इन माई आईज एंड इन एन ईवल मोमेंट इट वॉज रिमूव्ड विद अ नाइफ. कहता कि मेरी आँखों में वो जो है उसका वेस्ट कोट का लोअर पार्ट है वो बस चुका था, और मैंने उसको एक चाकू की सहायता से, चाकू की हेल्प से उस पार्ट को काट दिया था जहाँ वो अनिश्चित ही अपनी फिंगर रख लेता था. ग्रेट वॉज माई एंग्जाइटी, Great was my anxiety to know the success of my measure and it succeeded too well. कहते हैं कि great was my anxiety, एग्जाइटी तो चिंता करना,
टू नो द सक्सेस ऑफ माई मेजर. कहता कि मेरे को चिंता थी कि मैं अपनी सक्सेस को कैसे मेजर करूँगा, एंड इट सक्सीडेड टू वेल. और ये जो है बहुत अच्छा काम कर गया, क्योंकि उस लड़के की आदत थी, जो फर्स्ट आता था उसकी आदत थी कि वो क्वेश्चन सुनाते हुए अपने वेस्ट कोट के लोअर पार्ट के बॉटम में फिंगर रख लेता था. तो राइटर ने क्या किया, उसकी जो जहाँ पे वो रखता था फिंगर, वो वाला पार्ट है वो चाकू से रिमूव कर दिया. एंड व्हेन द बॉय, अब बॉय को नहीं पता कि उसका वो पार्ट कट हो गया है कोट का. व्हेन द बॉय वॉज अगेन क्वेश्चन, जब उसको दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, हिज फिंगर सॉट अगेन फॉर द बॉटम बटन, बटन पे उस बटन पे दोबारा से चली गई, बट इट वॉज नॉट टू बी फाउंड. पर वो बटन को वहाँ ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि उसकी तो आदत है उस बटन को छेड़ छेड़ के बार बार उसने क्वेश्चन सुनाना था. तो जब उसको क्वेश्चन पूछा गया, वो खड़ा हुआ और उसने वो उसी जगह पे जाके जब अपनी फिंगर्स लगाई, तो वहाँ पे बटन वो जो था नहीं था. इन हिज डिस्ट्रेस ही लुक्ड डाउन फॉर इट, उसको हैरानी हुई कि बटन कहाँ चला गया. तो वो नीचे देखता है, इट वॉज टू बी सीन नो मोर देन टू बी फेल्ट. जब वो नीचे देखता है तो उसको एहसास होता है कि वो तो ख़त्म हो चुका है. इट ही स्टूड कन्फाउंडेड एंड आई टुक पोजेशन ऑफ हिज प्लेस. और वो अब उसको क्वेश्चन है जो माइंड से निकल गया, क्योंकि वो तो डिस्ट्रैक्ट हो गया. तो उस अब टर्न किसकी आ गई, राइटर की आ गई. तो अब वो नीचे हो गया था लड़का, और राइटर है जो वो ऊपर हो गया था. तो देखो बच्चे क्या कुछ करते हैं एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए, कि वो फर्स्ट ना आ जाए, वो फर्स्ट ना आ जाए. इस तरह से राइटर ने क्या किया, अपने ही क्लास के एक लड़के की जगह लेने के लिए उसकी जो हैबिट थी उसको माइंड में रखा, और उसको रिमूव करने के बाद उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया. डिस्ट्रैक्ट जब हो गया लड़का, तो वारी जो है राइटर की आ गई. राइटर की टर्न आने की वजह से राइटर ने वो क्वेश्चन सुना दिया, और वो क्या हो गया, टॉप पे खड़ा हो गया. ही नोर नॉट डिड ही एवर रिकवर इट और एवर. अब वो कभी भी वो जगह दोबारा रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, और दोबारा से वैसा कॉन्फिडेंस लेके आना मुश्किल हो जाता है. आई बिलीव सस्पेक्ट हु वॉज द ऑथर ऑफ हिज रॉन्ग. ऑफन इन आफ्टर लाइफ ही हैज़ द साइट ऑफ हिम स्मोट मी एज आई पास्ड बाई हिम, एंड ऑफन हैव आई रिसॉल्व टू मेक हिम सम रेप्रिएशन, बट इट एंडेड इन गुड सॉल्यूशन. कहता कि मैं कई बार उसके बारे में सोचता हूँ, मैं पास हो गया उसकी वजह से, क्योंकि उसकी हैबिट थी जो उसने मुझे पास करवा दिया था. एंड ऑफन हैड आई रिसॉल्व टू मेक हिम सम रेप्रिएशन, और मैं उसको हमेशा जो है रिसॉल्व करता रहूँगा उसको अच्छा बनाने के लिए, कि मेरी गलती की वजह से उसका जो स्टैंड था वो कम हो गया. बट इट एंडेड इन गुड सॉल्यूशन, पर इसका अंत है जो वो एक अच्छे सॉल्यूशन के साथ हो गया था. Though I never renewed my acquaintances with him, मेरी उस लड़के के साथ फिर कभी भी दोबारा से नई दोस्ती नहीं हो पाई थी. I often saw him, मैं हमेशा उसको देखता, for he filled some inferior office in one of the courts of law at Edinburgh. कहता कि मैं उसको बड़ा होने के बाद मैंने उसको देखा, वो उसको एक छोटे से ऑफिस में जॉब मिली थी जो कि कोर्ट ऑफ लॉ था एडनबर्ग में. टू पुअर फेलो, बहुत गरीब था. आई बिलीव ही इज़ डेड, मुझे बिलीव था कि वो मर जाएगा. आई ही टुक अर्लियर टू ड्रिंकिंग, और वो जल्दी ही शराब पीनी शुरू कर देगा. तो स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है आज, ठीक है. मैंने आपको हाफ चैप्टर करवा दिया, इसमें सिर्फ हैबिट बताई गई है कि हैबिट है जो हमारी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में. राइटर की हैबिट थी कि पेन की जगह वो पेंसिल यूज़ करता था. आज उसने पेन उठा लिया तो उसको बहुत ही अजीब लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, उसके माइंड में थॉट नहीं आ रहे थे. तो वो एक स्टोरी की हेल्प से हमें हैबिट की इम्पॉर्टेंस बताता है कि उसकी क्लास में जो एक लड़का था, वो उसकी हैबिट थी कि जब टीचर उससे क्वेश्चन पूछते थे तो वो अपने वेस्ट कोट के लोअर पार्ट में जो बटन होता है उसको पकड़ के क्वेश्चन सुनाता था. ये बात राइटर ने देख ली थी, और उसने क्या किया था, उसको नाइफ चाकू से काट दिया था. और जब दोबारा टर्न आई उस लड़के की क्वेश्चन पूछने की, तो उसने वैसे ही अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग वहाँ पे हाथ लगाया,
अपने कोट पे, तो उसको बटन नहीं मिला, उसने नीचे देखा बटन नहीं था, डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसकी जगह जो है वो किसने ले ली, राइटर ने ले ली। इस तरह उसने अपनी क्लास में फर्स्ट आने के लिए किसी की हैबिट जो है उसको टारगेट किया और उसको टैकल किया। आज वो बहुत ही लोअर ऑफिस में काम करता है, पुअर फेलो है वो, और शराब पीनी वो शुरू कर देगा और जल्दी ही मर जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका ऑन हैबिट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। हाफ चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको अच्छे से समझ लो, देख लो, अगर कहीं से कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हो। ओके स्टूडेंट्स, इनको पढ़ लो बेटा अच्छे से, ठीक है। सेकेंड चैप्टर को हाफ हो चुका है, हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।